लेकिन सबसे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है उसके डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। भारत में प्रतिबंधित सिक्स फॉर जस्टिस को ने संयुक्त राष्ट्र को चंदा दिया है। SFJ जो कि सिक्स फॉर जस्टिस का शॉर्ट फॉर्म है, 7 लाख रुपयों का चंदा दिया गया है। दरअसल ये $10,000 का चंदा है। संयुक्त राष्ट्र ने SFJ से चंदा मिलने की पुष्टि भी की है। यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, अहम हो जाता है आपके लिए जानना कि ये संगठन भारत में प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक है ये संगठन, और बीते दिनों लगातार सुर्खियों में रहा है। आप जो वीडियो इस वक्त देख रहे हैं उस वीडियो में आपको याद होगा क्या कहा गया था। कहा गया था महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ये खुद को भारत से आजाद घोषित कर दे, भारत की संप्रभुता को चैलेंज किया गया था। इसके अलावा जो किसान आंदोलन है उसे किस तरह से हाईजैक करने की कोशिश सिक्स फॉर जस्टिस द्वारा की गई है उसे लेकर भी डिटेल्ड रिपोर्ट सामने आते रहे हैं। किस तरह एक बड़ा कैंपेन चलाया गया भारत के खिलाफ, देखिए $10,000 का ये चंदा दिया गया सिक्स फॉर जस्टिस द्वारा, और ये चिट्ठी जिसमें इस चंदे को के मिला है इसका कॉन्फर्मेशन है। और ऊपर की लाइन आप पढ़िए तो कहा गया है कि आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने ये जो दान दिया है ह्यूमन राइट्स के सपोर्ट में। तो ये उस चंदे का कॉन्फर्मेशन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जो सिक्स फॉर जस्टिस द्वारा दिया गया यूनाइटेड नेशंस को, और इसलिए दिया गया ताकि भारत विरोधी एक प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया जा सके। आप देख रहे हैं लगातार सिक्स फॉर जस्टिस जो है वो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, भारत को बदनाम करने की हर संभव कोशिश उसके द्वारा की जा रही है, और ऐसे में अब उसकी ये नापाक साजिश यूएन तक पहुंच गई है इस उम्मीद के साथ कि भारत को यूएन के मंच पर बदनाम किया जा सके। तो आप अंदाजा लगा लीजिए भारत के खिलाफ ये जो भारत विरोधी लोग हैं, संगठन है, ये किस हद तक जा सकते हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष शुक्ला, $10,000 का ये चंदा जिसका कॉन्फर्मेशन यूएन बॉडी द्वारा, यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है उसके द्वारा ये आया है, ये अपने आप में बताता है कि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार अब किस लेवल तक पहुंच चुका है, और साथ ही इस खबर को लेकर आपके पास अपडेट क्या है? देखिए अदिति, इस बात की कंफर्मेशन दी गई है यूएन ऑफिस की तरफ से कि $10,000 जो है करीब 7 लाख रुपए का चंदा मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि SFJ के बारे में देखें जो सिक्स फॉर जस्टिस ग्रुप है उसे भारत में बैन किया गया है, उसके टेरर उन लिस्ट में डाला गया है जिसमें टेररिस्ट ग्रुप होते हैं। और ऐसे में क्या यूएन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जिन ऐसे ग्रुप को बैन किया गया है इतने गंभीर चार्जेस में, अगर वो ग्रुप फंडिंग करते हैं, डोनेशन देते हैं तो डोनेशन लिया जाए, क्या इसको लेकर के कोई रूल नहीं बनना चाहिए? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि अगर देखा जाए तो यूएन की तरफ से ये भी कहा गया है, जैसा कि रिपोर्ट आई है, कि जो यूएन के तहत जो बैन ग्रुप होते हैं उनसे डोनेशन नहीं लिया जाता है। लेकिन भारत सरकार लगातार इसको लेकर के इस मुद्दे को उठा रही है और ये कह रही है कि कैसे बाहर के देशों में, खासतौर पर यूके में, जर्मनी में, कनाडा में, यूएसए में SFJ जो ग्रुप है और इससे जुड़े हुए जो कई खालिस्तानी गुट्स हैं वो लगातार वहां लॉबिंग कर रहे हैं। और ये जो 7 लाख रुपीज है ये एक लॉबिंग का पार्ट है, ये इन्फ्लुएंस करने का तरीका है। ये एक स्मॉल अमाउंट है अदिति, अगर आप देखें तो जिस लेवल में इस बात की कोशिश हो रही है कि कई देशों के जो MPs हैं उनको मिलाया जाए, उनका एक एसोसिएशन खड़ा किया जाए। हमने देखा कि कैसे ग्रेटा के केस में एक कॉन्स्पिरेसी सामने आया था। यहां पर यह हैरान करने की बात है कि इस तरीके के डोनेशन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। और हालांकि एक हफ्ते पहले ही इस बात की SFJ ने अनाउंसमेंट किया था कि उन्होंने डोनेशन दिया है, लेकिन अब यूएन की तरफ से इस बात को मानना और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार फॉरवर्ड प्रोटेस्ट के नाम पर भारत सरकार को, मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की जो मुहिम चली जा रही है वो चिंता बढ़ाती है। जी बिल्कुल, चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि हमारे दर्शकों को यहां पर यह भी समझना होगा कि ये सब कुछ किया जा रहा है ह्यूमन राइट्स के नाम पे, मानव अधिकारों की बात तो की जा रही है यहां पर, लेकिन आपको ये समझना है कि देश को किस तरह से मानवाधिकारों की आड़ में बदनाम किया जा रहा है। तो यूएन को ये जो खालिस्तानी चंदा है, खालिस्तानी संगठन का चंदा यूएन को कबूल है क्या? देखिए जो पॉइंट अभी मनीष उठा रहे थे कि भारत ने बैन किया हुआ है और ऐसा संगठन यूएन को चंदा दे रहा है, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की साजिश में क्या यूएन शामिल हो रहा है, क्या उसे शामिल करने की कोशिश की जा रही है? भारत में हिंसा भड़काने की साजिश पर यूएन चुप क्यों है? हिंसा भड़काने की बात जब मैं आपसे कर रही हूं तो 26 जनवरी की तारीख आप भूल नहीं सकते, देश का गणतंत्र दिवस था और उसके बाद उसी दिन किस तरह से राजधानी में हिंसा हुई थी
वो सबने देखा था, गणतंत्र उस दिन शर्मसार हुआ था। इसके अलावा बैंड संगठन है, प्रतिबंधित संगठन है, सिक्स फॉर जस्टिस, और यूएन इस पर पाबंदी कब लगाएगा। जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ है। मैं चाहती हूँ जितेंद्र, हमारे दर्शकों को ये खबर ज्यादा अच्छे से समझ में आए, आप हमें बताइए कि बीते महीनों में जब जब किसान आंदोलन को लेकर बात हुई है, किस तरह खालिस्तानी घुसपैठ का भी एक साथ जिक्र हुआ है, और ये संगठन किस तरह भारत को बदनाम करने के लिए सारी सीमाएं एक एक कर लांघ रहा है। देखिए अदिति, सिख फॉर जस्टिस जो कि गुरपतवंत सिंह पन्नून जो इस संगठन को चला रहा है, वो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, यूएपीए के तहत उसको भारत में प्रतिबंधित किया गया है। गुरपतवंत सिंह पन्नून जो कि इसका अध्यक्ष है, उसको भी आतंकी घोषित किया जा चुका है। और जिस तरह से किसान आंदोलन इस समय देश में चल रहा है, उसकी आड़ में प्रो खालिस्तानी गुट जो कि देश में खालिस्तानी राज स्थापित करना चाहते हैं, ये लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में किस तरह से इन किसानों को भड़का करके अपने मंसूबे पूरे किए जा सके। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल जिसने कई खालिस्तानियों को पकड़ा है, जो कि लगातार इस बात का अंदेशा देते रहे हैं, जानकारी देते रहे हैं कि किस तरह से प्रो खालिस्तानी जो देश से बाहर बैठे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हों, किस तरह से वो उनको पैसे और हथियार मुहैया करा रहे हैं ताकि खालिस्तानी गतिविधियों को लगातार चलाया रखा जा सके। और जिस तरह से गुरपतवंत सिंह पन्नून ने लाल किले पर 26 जनवरी को झंडा फहराने के लिए इनाम की घोषणा की थी, और उसके बाद हम सब ने देखा कि किस तरह से लाल किले के ऊपर जो है झंडा भी फहराया गया था, चाहे वो निशान साहिब था, सिखों का जो धार्मिक झंडा है वो फहराया गया था, लेकिन ठीक इससे पहले 15 अगस्त को डीसी के अंदर, जो मोगा डीसी है पंजाब के अंदर, उनके ऑफिस के ऊपर खालिस्तानी झंडा फहराया गया था, जिसके लिए बकायदा पैसे भेजे गए थे। इसको लेकर के चार्जशीट भी फाइल की जा चुकी है। यानी कि लगातार जिस तरह से प्रोपेगंडा सेट किया जा रहा है सिख फॉर जस्टिस की तरफ से, लॉबिंग की जा रही है, पैसे पहुंचाए जा रहे हैं, और ये जो नई जो बात है जिसमें यूएन को भी करीब 7 लाख रुपए चंदा दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि देश के अंदर यानी कि भारत के अंदर जिस तरह से किसानों के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इसको लेकर के कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई जाए, इसके ऊपर एक जांच बिठाई जाए। और ये भी कहा है गुरपतवंत सिंह पन्नून ने कि इसको लेकर के जितना भी खर्चा होगा, यानी कि इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी को लेकर के जिस तरह की भी पैसों की मदद की जरूरत पड़ेगी, वो भी बकायदा देगा, और यूएन ने इसके लिए धन्यवाद कहा। तो ये अपने आप में गंभीर बात हो जाती है। और इससे आगे एक और बात मैं आपको बता दूं अदिति, कि बकायदा इसके लिए गुरपतवंत सिंह पन्नून ने पंजाब के अंदर किसानों को मैसेज भेजने शुरू कर दिए हैं अपने सपोर्टर्स के जरिए, खुद के जरिए, कि वो अगर उनके पास किसी तरह की एट्रोसिटीज की जानकारी, यानी कि उनको लगता है कि उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, तो इसकी सीधी जानकारी यूएन को दे। यानी कि प्रोपेगंडा किस हद तक फैलाने की कोशिश की जा रही है ये बताता है। और भारत से बाहर बैठे हुए ये लोग, गुरपतवंत सिंह पन्नून और जो दूसरे प्रो खालिस्तानी हैं जो कि इस समय भारत से बाहर बैठे हुए हैं, वो एक प्रोपेगंडा चला रहे हैं, वो विदेशों की जो सरकारें हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे वो जर्मनी हो, कनाडा हो, यूएन, लगातार भारत के खिलाफ दुष्प्रचार, भारत को बदनाम करने की साजिश। और जो डॉक्यूमेंट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें ये भी है कि जो ये डोनेशन है, जो कि $10,000 का ये डोनेशन है, ये 3 जनवरी 2021 की तारीख को रिसीव किया गया, ये यूएन की जो ह्यूमन राइट्स ऑफिस है उसके द्वारा रिसीव किया गया, और इसका कॉन्फर्मेशन भी यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स द्वारा ही आया है। देखिए वो डॉक्यूमेंट जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अगर आप इस डॉक्यूमेंट के एकदम नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसमें क्लियरली मेंशनड है ऑफिशियल का नाम, और उसके बाद यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, और अगर उसके और नीचे जाकर इस डॉक्यूमेंट पर नजर डालेंगे तो साफ तौर पर मेंशन है 3 जनवरी 2021 को ये डोनेशन दिया गया। जी न्यूज से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बीजेपी लगातार किसान आंदोलन में खालिस्तान की घुसपैठ की बात कहती आई है। मैं एक बात शुरू से कहता रहा हूं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधों पे बंदूक, तो जो लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के संदूक को लेकर के और किसानों के कुछ किसानों के कंधों पर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो एक के बाद एक एक्सपोज हो रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं। और ये जो षड्यंत्र और साजिश रही है, वो कैसे भारत को बदनाम करो, भारत को बदनाम करने की ब्रिगेड और भारत बैशिंग ब्रिगेड पूरी तरह से इसमें सक्रिय दिखाई पड़ी।
इनका न किसानों के हित से मतलब है, न किसानों के सरोकार से मतलब है, न किसानों के खेत खलियानों से मतलब है, न किसानों की मंडियों से मतलब है, न किसानों के एमएसपी से मतलब है। शुद्ध रूप से ये भारत बैशिंग ब्रिगेड साबित हुई है। और किस तरह से एक के बाद एक जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, वो निश्चित तौर से उन तमाम लोगों के उन चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं जो यहां पर भी जो है वो बड़ी बड़ी बातें और लफाजी और बयानबाजी करते रहे। सर, किसान प्रदर्शन के नाम पर देश में नहीं, देश के बाहर जो बड़े लेवल पर कॉन्स्पिरेसी रची जा रही, चाहे मैं सज्जे की बात करें या दूसरे ग्रुप की बात करें, उन पर किस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि लगातार वो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक बात आपको समझना होगा कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो भारत के बारे में दुष्प्रचार और मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन की बहुत ही माहिर लोग हैं। और आप देखें कि लगातार हम तो 6 सालों की बात कर रहे हैं, 6.5 सालों में किस तरह से झूठ की खेती करो, किस तरह से अफवाहों का माहौल बनाओ, किस तरह से पूरे दुनिया में भारत की छवि को खराब करो, वो कोशिश हुई। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। ये भारत की ताकत है, भारत के लोगों की ताकत है और संकल्प है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मजबूत प्रभावी नेतृत्व है, उसका नतीजा है। और मेरे दोस्त सहयोगी इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ ये एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश है। मनीष, मैं आपसे यहां जानना चाहती हूं, 3 जनवरी को ये $10,000 रिसीव किए गए, ये खुद जो ऑफिशियल है, यूएन हाई कमिश्नर है ह्यूमन राइट्स के, उनके ऑफिस को दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि डोनेशन इसलिए की गई ताकि भारत के खिलाफ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया, उनके हवाले से मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि ये भारत के खिलाफ, भारत में जो किसान आंदोलन है उसमें कथित ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को लेकर ये जो प्रतिबंधित संगठन है ये चाहता था एक कमीशन बनाया जाए, आपके पास आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं, ये डोनेशन क्या उसी सिलसिले में दिया गया, क्यों दिया गया ये डोनेशन? जी बिल्कुल, देखिए एसएफजे की अगर हम बात करें तो उन्होंने इसलिए पैसे दिए ताकि यूएन के अंदर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जैसी चीजें हो, ताकि यूएन जांच कर सके जो तमाम ह्यूमन राइट्स के जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जो एक लार्जर लेवल पर जिस तरीके से बात कर रहे हैं भारत को बदनाम करने के लिए। अगर आप देखें तो जिस तरीके से फॉर्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और फॉर्मर प्रोटेस्ट की आड़ में चाहे वो खालिस्तानी हो या फिर सरकार के विरोधी हो, इसमें वो सारे किसानों को आगे रख करके इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि कैसे रेड फोर्ट के ऊपर एक बड़े लेवल पे कॉन्स्पिरेसी रची गई जिसमें बड़े लेवल पर वायलेंस हुआ, लेकिन एक नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की जा रही है और यूएन के अंदर या जो बाहर के देशों के अंदर एक बड़ी लॉबी है। आपको ये भी देखना होगा दीदी कि पैसे कौन दे रहा है, 7 लाख रुपीज हम बात कर रहे हैं या $10,000 की बात कर रहे हैं, ये बहुत एक स्मॉल अमाउंट है। ये पैसे देने वाले कौन है और लॉबी जो भारत के खिलाफ तैयार की जा रही है ये वो लोग कौन है, क्योंकि इनका काफी इन्फ्लुएंस है, कई देशों में एक तरीके से एक नेटवर्क बनाया जा रहा है ताकि भारत को बदनाम किया जा सके। उनको फॉरवर्ड प्रोटेस्ट से मतलब नहीं है, दरअसल इसकी आड़ में भारत को दबाना है। और हम सब जानते हैं कि रेफरेंडम 2020 एसएफजे ने पिछले 1.5-2 साल से शुरू किया हुआ है जिसमें आईएसआई कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और उनकी प्लानिंग है कि K2 यानी कश्मीर और खालिस्तान के नाम पर देश को टुकड़े किया जा सके। और इसी के तहत जैसा कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें लगातार एसएफजे के लोग फोन कर रहे हैं, कई किसानों से वो कह रहे हैं कि ऐसे वीडियोज बना के भेजें ताकि भारत के को बदनाम किया जा सके। और यही नहीं, पिछले 2-3 सालों के अंदर पंजाब में कई ऐसी किलिंग्स हुई हैं जिसमें यह बात सामने आई कि जो पुलिस का वर्जन है, जो पंजाब पुलिस की जांच है या एनआईए की जांच है, कि उसमें कहीं ना कहीं बाहर के देशों से पैसा आया ताकि पंजाब का माहौल खराब किया जा सके। तो हमें सिर्फ एक एक पार्ट दिख रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूएन जैसी एक रिपोर्टेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसमें आतंकी अगर डोनेशन देने लगे या टेरर के मामलों में जिन पर कुछ देशों में बैन लगाया गया है, अगर यूएन उनका डोनेशन रिसीव करने लगा तो ये एक बड़ा कंसर्न होगा, क्योंकि इस पैसे के दम पर आप यूएन को मजबूर भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से डोनेशन लेना कहीं ना कहीं किसी भी देश के लिए एक बड़े खतरे की बात है। जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, भारत में एक संगठन प्रतिबंधित है, वही संगठन जाके यूएन का जो ह्यूमन राइट्स ऑफिस है उसमें $10,000 का डोनेशन देता है, भारत की एजेंसीज इसे कैसे देख रही हैं, और जो जो इन्वेस्टिगेशन पहले चल रहा है जिसमें हमने गिरफ्तारियां भी देखी, क्या अब उस इन्वेस्टिगेशन के तार, वो इन्वेस्टिगेशन इस डोनेशन से उस डोनेशन तक भी जाएगी जो 6th फ्लोर जस्टिस द्वारा दिया गया यूएन के ह्यूमन राइट्स ऑफिस को?
देखिए अदिति, ये दो अलग अलग मामले हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशंस है वो निश्चित तौर पर जो जांच एजेंसीज हैं वो कर रही हैं, सिख फॉर जस्टिस को लेकर के एनआईए भी जांच कर रही है। इसके अलावा जो सिख फॉर जस्टिस ने जो किलिंग्स करवाई हैं, खालिस्तानी जो संगठन है उन्होंने जो किलिंग्स करवाई है और जिस तरह से यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के भी पंजाब पुलिस ने अपनी जाँच शुरू की हुई है। दिल्ली पुलिस भी समय समय पर जो प्रो खालिस्तानी आतंकी हैं उनको गिरफ्तार करती रही है। लेकिन जो यूएन के अंदर जो जिस तरह से ये डोनेशन दिया गया है और माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर के निश्चित तौर पर डिप्लोमेटिक तरीके से भारत सरकार यूएन तक बात पहुंचाएगी। और इसके अलावा जो अलग अलग देशों के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं या गवर्नमेंट के अंदर जो एमपीज हैं, वो जब इस तरह की बातों को उठाते हैं तो उसको लेकर के भी डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बात पहुंचाई जाती है। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो एक भारत के अंदर एट्रोसिटीज को लेकर के जो यूके के जो एमपी हैं उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर के ब्रिटिश एम्बेसडर को भारत सरकार ने तलब किया था। बकायदा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में, यानी कड़े शब्दों में ये बताया गया था कि भारत के अंदरूनी मामलों में किसी तरह की दखल बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक इसी तरह से जब कनाडा में भी इस तरह की कोई बात उठती है तो वहां पर भी इसी तरह से डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बात पहुंचाई जाती है। तो दो अलग अलग मामले हैं जिसको लेकर के सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। जो भारत के अंदर बैठे हुए लोग हैं जो खालिस्तानियों की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है, और जहां तक बात है भारत से बाहर बैठ करके जो इस तरह के लोग हैं उनको डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए कोशिश की जा रही है। और निश्चित तौर पर ये बहुत जरूरी है जितेंद्र शर्मा की भारत डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से इस तरह की खबरों पर एक्शन ले और वो सवाल पूछे जाए, चाहे वो यूएन हो या फिर दूसरे देश हो जो भारत के खिलाफ इस दुष्प्रचार, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले इस संगठन के खिलाफ कड़ाई नहीं बरत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा आपका, और मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और खबरें दिखाएंगे हम आपको बस थोड़ी ही देर में, आप रहिए हमारे साथ। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।